बचपन से ही हमें कुछ सेइंग्स को फॉलो करना सिखाया जाता है, जैसे कि ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड या फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। कुछ ऐसे ही सेइंग को फॉलो करने की कोशिश की एक ऐसे शख्सियत ने जिन्होंने खूब सारा ट्राई किया और आज वो फाइनली बन चुके हैं सिविल सर्विसेज में, यानी कि उनकी वो जा चुके हैं सिविल सर्विसेज में, और वो हैं मिस्टर अर्जुन सिब्बल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। थैंक यू। मिस्टर अर्जुन, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट एग्जैक्टली सिविल सर्विस ऑल अबाउट? सिविल सर्विसेज, डू यू मीन द एग्जाम इटसेल्फ और डू यू मीन द सर्विसेज? आई मीन द एग्जाम व्हिच यू हैव क्वालिफाइड। ओके, इट्स अ कंबाइंड एग्जाम फॉर ग्रुप ए एंड सर्टेन ग्रुप बी सर्विसेज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सर्विसेज इंक्लूड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक, रेवेन्यू, कस्टम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ऑल दीज आर रिक्रूटेड टुगेदर इन अ सिंगल एग्जाम विच हैज़ थ्री फेजेज। फर्स्ट फेज इज द प्रीलिमिनरी स्टेज, दिस इन्वॉल्व्स टू पेपर्स। ओके, फर्स्ट इज आपका कंपल्सरी होता है जनरल स्टडीज, दिस इज बेसिकली योर जनरल अवेयरनेस। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 mark ईच होते हैं, वी हैव नेगेटिव मार्किंग, सो एवरीबडी इज टेस्टेड ऑन पॉलिटी, साइंसेज, हिस्ट्री, यू नो, थिंग्स विच एनी कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू नो। द सेकेंड इज योर ऑप्शनल। राइट नाउ देर इज टॉक अबाउट द पैटर्न बींग चेंज, बट करेंटली वी हैव वन ऑप्शनल, यू कैन टेक इट फ्रॉम द लिस्ट, और दिस हैज 300 mark criteria, and after this the second phase is your mains. Okay. Now if you score well in your pre, a certain amount of students are going to clear it and they'll be selected for the mains exam. Okay. Mains involves one subject in general studies which has two papers, two subjects which you choose, each of them have two papers each, one compulsory essay and two compulsory language papers. Alright, if you have just told me कि एक ऑप्शनल होता है या दो ऑप्शनल होते हैं, तो ऑप्शनल को इंसान सेलेक्ट करना चाहे तो यू नो जनरली एक लोग ऐसे सोचते हैं कि वो ग्रेजुएशन करेंगे तो जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाए हैं वही वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, तो यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज दैट वन टिप यू नो व्हिच विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट द यू नो द ऑप्शनल पेपर? मोस्ट ऑप्टिमम चॉइस वुड बी टू चूज एनीथिंग इन विच यू आर कंफर्टेबल इन। ओके, यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट इज वॉट मैटर्स। आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसमें एक तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो, मास्टरी अच्छी हो, और आप उसमें बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। इसमें तीन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेन्स में। फर्स्ट इज कि आपका आंसर रेलिवेंट है, इफ इट इज इररेलीवेंट इट विल नॉट फेच यू मार्क्स, डू नॉट राइट एक्स्ट्रा। सेकेंड इज इट डीप इनफ, डेप्थ, आप ज़्यादा शैलो मत लिखिए, ज़्यादा डिटेल में मत लिखिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखिए। थर्ड है ब्रेथ, आपके सारे टॉपिक्स जो पूछें अगर आपका आंसर कवर करता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसमें जो फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे होता है, हाउ यू एक्चुअली गो फॉरवर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू टेक? अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन, या नो नॉट द सब्जेक्ट सिलेक्शन, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो कैसा फॉर्म होता है, कहाँ से मिलता है ये फॉर्म? फॉर्म यू कैन गेट एट पोस्टल, आपका जो जीपी होगा आप वहाँ से ले लीजिए। ये इसकी नोटिफिकेशन आएगी नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में आपका फॉर्म आएगा, यूजुअली इट कम्स इन दिसंबर फर्स्ट वीक। फॉर्म आप फिल करके यूपीएससी भेजोगे, फिर उसमें आपको एडमिट कार्ड आएगा, आप सेलेक्ट हो गए, आप एग्जाम दोगे। इफ़ यू क्लियर दैट, यूपीएससी विल सेंड यू अ फॉर्म स्पेशली फॉर मेंस, ओनली इफ यू क्लियर। आफ्टर दैट They'll send you a form for interview. This is the third and final stage. इसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो फिर DOPT से आपका होता है। Alright, एक question जो मेरे दिमाग में इस वक्त आया है कि अब सिविल सर्विसेज का पेपर इज रियली यू नो वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेड पेपर इन इंडिया, पर इसके लिए खूब सारी नॉलेज भी चाहिए थी और नॉलेज के लिए बुक्स चाहिए होती है और बुक्स बहुत कॉस्टली होती हैं, तो दोज पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली सिक्योर, हाउ विल दे पास दिस पेपर? यू कैन ऑलवेज बोरो, यू डोंट नीड टू बाय, यू कैन गेट दोज नोट्स फ्रॉम योर सीनियर्स, या फोटो शॉट करा लो, आप उसको लाइब्रेरी से पढ़ सकते हो। इनफैक्ट काफ़ी लोग होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और काफ़ी लोग हैं दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ, दे ऑल टॉप्ड, दे आर ऑल इन मेरिट लिस्ट, यू कैन सी देम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स। मेनली है कि आप कमिटमेंट दिखाइए और कुछ नहीं है। और कमिटमेंट की बात की गई तो कहा जाता है कि इन सब पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको तो घंटों तक पढ़ना पड़ता है, तो आपने कितने घंटे अपना स्टडीज दी? नहीं, क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। आप 10 घंटे भी पढ़ोगे आप फेल हो जाओगे, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ोगे ठीक से, आप क्वालिटी से पढ़ रहे हो तो पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखिए मेरे को 4 years लग गए थे इसमें पढ़ते पढ़ते, तो इट डिडंट मैटर कि मैंने 3 years पहले क्या पढ़ा, व्हाट मैटर्ड उस पॉइंट में मैं क्या परफॉर्म करके आया जिसके बेसिस से सिलेक्शन होती है। तो आप उतना ही पढ़िए जिसमें आपको मैटर समझ आ जाए और उस मैटर को आप लिख सकें। एक्स्ट्रा पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, कम पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर बात की जाए कि आपके सोशल ग्रुप की, तो क्या आपको बिल्कुल दुनिया से, दीन दुनिया से कटना पड़ता है इस पेपर क्वालिफाई करने के लिए?
नहीं ऐसा नहीं है, बट अगर आप पूरी डेडिकेशन दिखाएंगे तो वो अपने आप ही हो जाता है. यू टेंड टू आइसोलेट योर सेल्फ. ओके. यू टेंड टू यू नो आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द डेली हैपनिंग्स, बर्थडेज, पार्टीज, फेस्टिवल्स वगैरह. ये 3-4 ईयर्स तक आपको पता भी नहीं चलता आपके आसपास हो रहे हैं. और अगर बात की जाए कोचिंग्स की, तो कहा जाता है कि ऐसे के लिए कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए, तो आपने कोई कोचिंग करी? नहीं 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 नहीं. एंड आई वुड ऑलवेज से डोंट टेक एनी कोचिंग्स, क्योंकि इट इज़ योर सेल्फ स्टडी विच इज़ गोइंग टू क्लियर दैट एग्जाम. फॉर एवरी वन कैंडिडेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइज करते हैं, देर आर मैनी मैनी कैंडिडेट्स जो प्री भी नहीं क्लियर किए हैं. प्लीज़ आस्क दोज इंस्टीट्यूट्स कि आपके कितने कैंडिडेट इस साल सेलेक्ट नहीं हुए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कोचिंग के बारे में. क्योंकि पढ़ना आप ही को है, वो किताब से वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आप खुद पढ़ते हो. तो कोचिंग आई वोंट रिकमेंड एनीबडी. ओके, व्हाट इज दैट वन टिप व्हिच यू लाइक टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली रियली नर्वस? वो बनाते हैं प्लान, एक साल क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो सेकंड टाइम छोड़ देते हैं क्योंकि सब उनको बोलते हैं कि यू नो लीव इट, यू विल नॉट हैपन. तो व्हाट इज दैट वन थिंग, वन टिप व्हिच यू विल गिव देम? यू नो इफ यू गिव अप यू विल नेवर विन. आप उसको देते रहिए जब तक आपके अटेम्प्ट्स हैं. आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करिए, भगवान आपको, गॉड विल ऑलवेज रिवॉर्ड यू. यू नो फेट विल ऑलवेज लुक काइंडली ऑन यू इफ यू गिवन एवरीथिंग. अगर आप नहीं होते हो तो यू विल नेवर हैव एनी रिग्रेट्स कि आपने कुछ नहीं दिया. इफ यू डोंट, इफ यू गिव अप, इफ यू डोंट गिव इट ऑल योर कमिटमेंट, यू विल ऑलवेज हैव दिस रिग्रेट कि मे बी इफ आई हैड यू नो एक साल और दे दिया होता शायद मैं हो जाता. तो इससे अच्छा है कि आप देके खत्म ही कर लो और देख ही लो होते नहीं होते हो. 99% यू विल क्लियर. अच्छा, आपके हिसाब से आपको क्या वो मिल गया है कि इस फील्ड में आपको जाना है? वी हैवंट बीन अलॉटेड आवर सर्विसेज येट. मैंने वैसे ग्रुप ए प्रेफरेंस अपनी सबसे ऊपर रखी थी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज. सो टिल DOPT कम्स कंफर्म नहीं है, बट आई एम होपिंग आई गेट दैट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिस्टर अर्जुन. भाई ये थे मिस्टर अर्जुन जिन्होंने आपकी मदद की, स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश की और कहा कि यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, जस्ट कमिटमेंट चाहिए. तो आप भी कमिटमेंट करिए और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू यानी जो हमारी बातचीत थी मिस्टर अर्जुन से, वो आपको खूब मदद करेगी. भावना कपूर, द न्यूज़ बॉर्न.com, लखनऊ.